हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, टॉप 5 अंडर वैल्यू PSU स्टॉक, टॉप 3 स्टॉक जो बुक वैल्यू से नीचे हैं ट्रेड करने के बाद, आप लोगों का कमेंट आया डिफेंस स्टॉक पे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आज मैं डिफेंस स्टॉक पे बना रहा हूँ। बट ऐसी ही कोई अगली डिमांड हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो फिर जिस पे ज़्यादा वोटिंग रहेगी उस सेक्टर को, उस स्टॉक को हम कवर करेंगे। डिफेंस सेक्टर किसी भी देश के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। हर कंट्री यही कोशिश करती है कि वो एक दूसरे से बेहतर और मजबूत रह सके। इंडिया भी अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है और आज के डेट में जिस तरीके से वॉर हो रहे हैं वहां पर तो और भी ज्यादा जरूरत बढ़ गई है। तो उस कंडीशन में हम टॉप कंपनी की बात करेंगे जो डिफेंस सेक्टर में एक मजबूत कंट्रीब्यूशन देती है, जो वैल्यूएशन वाइज भी अच्छे लेवल पर है। वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें हमने यहां पर कवर भी की थी, आप जरूर इसको देखिएगा। और ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ऑर्डर बुक रहेगा तभी तो कंपनी कमाएगी और तभी तो ग्रो करेगी। तो इंडिया की अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो दुनिया की 4th सबसे पावरफुल कंट्री है डिफेंस के मामले में। याद रखिए, इंडिया इससे पहले सिर्फ बाहर से मंगाता था, अब बाहर भेज रहा है, यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसलिए टाइम टू टाइम अपने डिफेंस इक्विपमेंट और पावर को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए एयरक्राफ्ट हैं और कई तरह की चीजें हैं, और इसके लिए सरकार भी पीछे नहीं है। इस साल के अंतरिम बजट में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर किसी सेक्टर में हुआ है तो वो है डिफेंस का। टोटल बजट का 13.04%, यही लगभग 6.21 लाख करोड़ डिफेंस का हो गया है, जिसको अगर और बायफोकेट करें तो टोटल जो खर्च कर रहे हैं ना, उसका 27.67% कैपिटल वो हमारे डिफेंस सेक्टर में जा रहा है, जिसमें से 14.82% आर्म्ड है, 30.68% पे और अलाउंसेस है, 22.72% डिफेंस पेंशन है, 4.11% का सिविल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप सोचिए सरकार डिफेंस को कितना मजबूत कर रहा है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हम कवर करेंगे ना, वो कवरिंग ये होगी जिससे आपका डर खत्म होगा, वो है मार्च महीने में जो गिरावट हुई। तो जिस शेयर को हम कवर करें वो मार्च महीने में गिरा भी है, तो आपके अंदर घबराहट आ गई थी, तो हम उसको भी कवर करके चार्ट के बेस पर दिखाएंगे, जिससे कि भविष्य में भी ऐसी गिरावट हो तो आपको डर नहीं होना चाहिए, बल्कि कहां पर मौका मिलेगा वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए तो आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक से, लेकिन उससे पहले टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट की है, प्राइस एक्शन की एक वीडियो लाइव हो चुकी है हमारे मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स वाले चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फाइनेंशियल लर्निंग के लिए फिनोविंग्स का चैनल है, जहां पर फाइनेंशियल की बेहतरीन लर्निंग ला रहे हैं। तो पहला शेयर है HAL कंपनी, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग और उनके रिपेयर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी केवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे हाईली डिपेंडेबल है, क्योंकि मोस्टली ऑर्डर कंपनी को वहीं से मिलते हैं। कंपनी के पास 83,000 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी से एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन का भी ऑर्डर है। तो यहां पर अगर हम पी पे आते हैं तो इंडस्ट्री पी 70.8 का है और स्टॉक पी 38.8 का है, और पीजी रेशियो पर अगर आप नजर डालोगे तो 1.62 का है, यानी पीजी रेशियो 1 से थोड़ा ऊपर है, यानी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन पीजी रेशियो के आधार पर सही है। ROC और ROE 15% से ऊपर होता है तो अच्छा है, और वो 15% से ऊपर है। यहीं पर अगर हम इन्वेस्टर की पोजीशन में देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 71.64% के पास है, RII जो FII की है वो 12.93 के पास है, FII की 9.13 के पास की होल्डिंग है। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ OPM परसेंटेज पे फोकस कीजिए, वही सारा गेम बताता है। और OPM परसेंटेज अगर हिस्ट्री से देखते हो 2012 से, तो वो अभी बहुत ही बेहतरीन लेवल पर चल रहा है, 25% के आसपास। और उस वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बुक, यानी कंपनी को ऑर्डर बहुत बेहतरीन मिल रहे हैं। अब जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही थी कि मार्च में मार्केट में गिरावट हुई, आप लोग डर गए, हो सकता है आपके पास ये शेयर होगा। आपके पास कौन सा शेयर था जल्दी से कमेंट में बताइए, क्या डिफेंस का कोई शेयर था, नहीं था, कमेंट में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़े से मार्च की लर्निंग को सीखते हैं। ये मार्च का वो वक्त है जब शेयर गिरा। अब शेयर गिरने को देखें तो मोटा मोटा 3,350 से गिरकर मोटा मोटा 2900 के पास आ गया। अब अगर कोई बिना जाने समझे किसी के कहे में इन्वेस्टमेंट कर ले तो 400-500 की गिरावट में हाथ पाँव फूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लर्निंग यही होती है कि आपने क्या सोच कर लिया है, क्या समझ कर लिया है, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम एक इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टर की सोच से ले रहे हैं तो हमारा स्टॉक अगर 20% भी गिरे तो हमें डरना मना है, बसरते कंपनी अच्छी हो, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हों। क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट आ रही है तो सब गिरेंगे, ये एकदम साफ स्पष्ट बात है, पहली। दूसरी, अब दूसरा एंगल ये है कि अगर गिर रहे हैं और आपके पास शेयर नहीं है और आपको कहा जा रहा है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, तो हमेशा वहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत हेल्प करता है, और उस प्राइस एक्शन से ये पता चलता है कि हमें कहाँ लेना है।
और वो प्राइस एक्शन में मैंने जो लोग हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़े होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जब मार्केट में ये ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हैं कि मार्केट में जब गिरावट होने वाली थी तो 26 फरवरी को ही हमने कहा था कि मार्च में गिरने वाला है। उसके बाद जब मार्केट अटक रहा था तब हमने बताया था ये एक मौका है आपके। तो ऐसी केस स्टडी हम आप लोगों के साथ बहुत बेहतर तरीके से शेयर करते हैं, आप वहां से ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं उस केस स्टडी के लिए। तो यहां पर ये आपको एक रास्ता बताता है कि ओके ये एक बेहतरीन टाइम है। और फिर क्या हुआ, यहां से चला और उसके बाद कहानी क्या है, अगर उसके बाद आप देखोगे तो यहां से एक डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ है 3400 के ऊपर का। तो इस तरीके से हमने एक चार्ट से यह समझने की कोशिश की कि अगर स्टॉक कभी गिर रहा है तो डरना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। दूसरा, एंट्री कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ब्रेकआउट में क्या हो रहा है और आज के डेट में चार्ट क्या है। तो यानी आपने क्या सीखा, न्यूज प्लस चार्ट का तर्क। तो यह था हमारा पहला HAL। अब हमारा दूसरा शेयर है BL। लर्निंग कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा कमेंट में, तो हमें अच्छा लगेगा। कंपनी डिफेंस सेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे रडार, मिसाइल सिस्टम और नेवल सिस्टम प्रोवाइड करती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अपने सारे ऑपरेशन करती है। इनका ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो 65,356 करोड़ का है, जिसमें से ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर का ही है। और रिसेंट हुए एक प्रोजेक्ट अप्रूवल में 25 एयर डिफेंस रडार सिस्टम खरीदेगी गवर्नमेंट, जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। और ऐसे में ये रडार BL बनाती है तो कंपनी को ऑर्डर बुक मिलेंगे। अब यहाँ पर हम वापस से चलते हैं BL पर। तो स्टॉक P 45.1 है, इंडस्ट्री P 68.9 है, यानी P पर सस्ता है। PG रेशियो 2.85 है, यानी स्टॉक कहीं ना कहीं PG रेशियो पर महंगा है। ROC 15% के ऊपर है, जो एक अच्छा रेशियो है। इन्वेस्टर में आएंगे तो होल्डिंग आपके सामने है, प्रोमोटर की 51.14, FII की 17.77 और DII की 23.37 है। मोटा मोटा सेम है, जो जैसे पकड़ के बैठे हैं वैसे ही है। अब यहाँ पर वापस से हम ये देखते हैं कि पुराने समय का OPM परसेंटेज क्या था और आज का, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो आप अगेन पाओगे 2012-13 से लेकर अभी तक में ये अपने सबसे प्रीमियम लेवल पर काम कर रहा है, वो है 22%, 23%, 25% के लमसम का। तो दैट्स द रीज़न आप चार्ट पे चलो और चार्ट पे आप ये पाते हो कि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। और ये मैंने सिखाया है, किसी भी स्टॉक में देखो OPM परसेंटेज अगर बढ़ रहा है तो स्टॉक में ग्रोथ मिलने के चांस रहते हैं। वापस से लर्निंग लाते हैं। लर्निंग ये है कि ये स्टॉक गिरा है, ये है कौन सा वक्त, ये है मार्च का वक्त। मोटा मोटा देखो, अगर किसी ने बिना जाने समझे लिया हो तो 210 से मोटा मोटा 180 के पास आ गया। सेम कहानी, डर गए, फंस गए, मर गए, पता नहीं क्या क्या, क्यों, क्योंकि बिना जाने समझे लिया। तो फिर से कहानी वही आएगी, इन्वेस्टमेंट में विजन रखिए 5 साल का। उस 5 साल में ना जाने कितनी बार स्टॉक गिरेगा, कितनी बार बढ़ेगा, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर भी मार्केट गिरा फिर ऊपर गया। तो समरी, पहला तो आपका डर दूर कर दिया, दूसरा गिरावट में जो हमने बात की वो है हमारा प्राइस एक्शन। ये देखिए, जहाँ पर मार्केट गिरावट में प्रॉपर सपोर्ट से बाय दिया और उसके बाद ऊपर गया। अब आप कहोगे सर ऊपर गया तो बात बना दी, अरे प्रभु आइए प्रूफ, प्रूफ यहाँ पर ज्वाइन बटन दबाइए, प्रूफ देखिए कैसे केस स्टडी हम आप लोगों के साथ बताते। कोई बायसल नहीं, देखिए टिप्स से कोई पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन जब ये लर्निंग मिलती है ना तब इंसान पैसा कमाता है। और वहीं पर अगर आज के डेट में काउंट करेंगे तो यहां पर ये डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये है इसकी कहानी जो हम देख रहे हैं। तीसरी कंपनी का नाम बताएंगे, भैया आपको बताना है क्योंकि ये नेवी की कंपनी है, बेहद अहम भूमिका निभाती है नेवी वालों के लिए। 1960 से लेकर आज तक कंपनी इंडियन नेवी के लिए 801 वेसल बना चुकी है और कंपनी जिसमें वॉरशिप, सब मैरिन, कार्गो और पैसेंजर शिप है। मोस्ट रिसेंट कंप्लीटेड वॉरशिप इसी कंपनी की है INS इम्फाल, जो कि दिसंबर 2023 में कमीशन हुआ था। 2023 तक अगर दिसंबर का देखते हैं तो ऑर्डर बुक 38,389 करोड़ का था। तो अब वापस से चलते हैं इसके स्क्रीनर पर, तो P 29 का है और इंडस्ट्री P 30.9 है, यानी मोटा मोटा P के हिसाब से पास खड़ा है। PG रेशियो 1.49 है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक चल रहा है। अगर ROC ROE देखोगे तो 15% के ऊपर होना चाहिए, जो सही लेवल पर है। इन्वेस्टर का अगर देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 84.83%, सरकारी कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग पे आते हैं तो 84.83% है, तो आज नहीं तो कल 75% का एज पर रूल सेबी के गाइडलाइन में ये स्टेक सेल की न्यूज आएगी ही आएगी, वो कहीं से निगेटिव नहीं होगी। FII 3.32% और DII की 0.43% की कंडीशन होल्डिंग है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में अगर हम जाते हैं तो अगेन OPM परसेंटेज देखते हैं तो 9%, 5%, 6%, 4%, 3%, लेकिन अब अपने प्रीमियम लेवल के पास 8-10%, 13% के पास ट्रेड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। हम बात कर रहे हैं मजगांव डॉक की, जहां पर अगर अगेन ये है इंटरेस्टिंग चार्ट
क्यों? पहले तो हम ये आपको बता देते हैं कि ये स्टॉक सिर्फ मार्च में नहीं गिरा है, ये उससे पहले से ही टॉप बना के गिरा है, और वो मोटा मोटा देखो तो 2500 का लेवल था, 2500 से 1800 आ गया। अब ये है एक इंटरेस्टिंग लर्निंग, आपने कब लिया, क्यों लिया पता नहीं, बट मार्केट प्राइस एक्शन को ऑलवेज रिस्पेक्ट करता है जो अपने डबल टॉप के रेसिस्टेंस से गिरा है आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और फिर ये देखो आप नीचे में अपने प्राइस एक्शन को सपोर्ट किया है और 1800 का लेवल जो कि एक परफेक्ट बाय लेवल था एज पर प्राइस एक्शन आपके सामने है, और वहां से क्या हुआ, तेजी हुआ। तो टेक्निकल काम करता है मेरे दोस्त, बसरते सही तरीके से यूज करने आना चाहिए, राइट? और यही चीज सिखाते हैं हम अपने स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। 9708094321 पे कॉल कीजिए अगर ज्वाइन करना हो और ऐसा ही प्राइस एक्शन सीखना हो। अब यहां पर वापस से प्राइस एक्शन का रेसिस्टेंस देखिए, यहां पर है, कैसा लग रही है, मार्केट प्रॉपर से चल रहा है, राइट? तो ये इसका क्या है, ब्रेकआउट लेवल। तो बट ये सब क्या हुए, स्विंग की कहानी हुई। इन्वेस्टमेंट की कहानी पे मैं आता हूं, जहां पे मुझे इसका वीकली चार्ट दिखाना मुझे है आपको। वीकली चार्ट देखो, तेजी हुई, फंस गया, तेजी हुई, गिरा, फिर तेजी हुई, गिरा, और फिर जा रहा है। ये एक इन्वेस्टर को समझना चाहिए, जो मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी स्टॉक की यही रियल चाल होती है, आपके अंदर दम हो तो ही इन्वेस्ट कीजिए, दूसरों के कहे सुने में, वीडियो देखकर नहीं, इसने कहा उसने कहा, सबसे ज्यादा तो नुकसान इसलिए होता है। और सेबी भी यही अवेयरनेस फैलाना चाहती है, हम भी यही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि हम कोई बाई सेल नहीं दे रहे, हम तो सिखा रहे हैं, समझो कंपनी अच्छी है, मजबूत है, वैल्यूएशन सही है तो ग्रोथ करेगी, लेकिन कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाएगी। तो आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो जल्दी से इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दीजिए लोगों के साथ शेयर करके, जिसे सब सीखे सब कमाए। जय हिंद, जय भारत।